आरती शर्मा, आज आपके सामने चिल्ड्रन योगा लेके आई हूँ, बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए। आइए तो आज हम करेंगे चिल्ड्रन योगा। चिल्ड्रन योगा मतलब कि चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए कौन कौन से आसनास बेनिफिशियल होते हैं, कौन कौन से आसनास हाइट बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथिंग होती है, कौन से आसनास ऑर्गन को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ मतलब कि तन जाना। आसन की एक स्थिति में, किसी भी एक स्थिति में हमने इस पोस्चर को मेंटेन करना होता है। तो ताड़ आसन करते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है, किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, कोई अस्थमा की प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसा क्रिटिकल इश्यू जो कि ब्रेन के साथ रिलेटेड हो, उसको ये आसन परफॉर्म नहीं करना होता। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आसन, जिसे हम बोलते हैं ताड़ आसन। ताड़ आसन से बच्चों की हाइट बढ़ती है, माइंड ग्रोथ करता है और लर्निंग पावर डेवलप होती है। तो आओ हम करते हैं सबसे पहले ताड़ आसन। ताड़ आसन, दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को कमर के साथ बिल्कुल लगाते हुए सीधा खड़े हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आना है और लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को लॉक करना है। लॉक करके हाथों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस करते हुए आपने एड़ियों को ऊपर उठाते हुए ताड़ आसन का अभ्यास करना है। एल्बो बिल्कुल सीधी रहेंगी, एड़ियों को आपस में मिलाते हुए ऊपर की ओर उठाना है और फिर धीरे धीरे इस आसन में वापिस आ जाना है। इस आसन को करने के लिए आपको 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग करनी है और फिर 2 से 3 बार इस आसन को दोहराना है ताकि वो आसन का पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। अगला जो आसन है उसे हम बोलते हैं त्रियक ताड़ आसन। त्रियक ताड़ आसन जो कि सेम इसी पोजीशन में हमें राइट और लेफ्ट साइड जाके हमें उसको होल्ड करना है। इससे आपकी हाइट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपकी जो साइड वैली फैट है वो भी कम करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आओ हम करते हैं त्रियक ताड़ आसन। त्रियक ताड़ आसन का अभ्यास किस तरह से करेंगे, जैसे आपने ताड़ आसन में दोनों पैरों को आपस में मिलाया था, आपस में मिलाते हुए लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए लॉक करते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे आपने बॉडी को ऊपर की ओर खिंचाव पैदा करना है। और जैसे ही आप ऊपर की ओर दोनों हाथों को कर लेंगे, इसमें हमने एड़ियों को ऊपर नहीं उठाना, पहले हमने ताड़ आसन में एड़ियों को ऊपर उठाया था, इसमें हमने एड़ियों को ऊपर नहीं उठाना और धीरे धीरे आपने बॉडी को अपने लेफ्ट साइड जाते हुए होल्ड करना है। इसमें आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, आपकी जो कोहनी है, एल्बो है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और बॉडी जो पोस्चर है आपका बिल्कुल सीधा और खिंचाव में होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे इस आसन में वापिस आते हुए दूसरी तरफ जाना, जो डायरेक्शन में आपने अगर लेफ्ट साइड पे किया है तो राइट साइड में जाएंगे और धीरे धीरे बॉडी में खिंचाव पैदा करते हुए इसको 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग के साथ ये आसन का अभ्यास करना है और धीरे धीरे इस प्रकार से हम वापस आ जाएंगे। अगला जो आसन है वो है वृक्षासन। वृक्षासन ट्री पोज, जो की बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जितनी भी बॉडी के मसल्स है, स्पेशली फॉर थाई मसल एंड काफ मसल के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आओ हम वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हमने दोनों पैरों पे बैलेंस पे खड़े हो जाना है और फिर इसके बाद किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हुए, बिंदु के ऊपर फोकस करते हुए धीरे धीरे वन लेग, चाहे आप अपना राइट लेग ले सकते हैं, चाहे पहले आप अपना लेफ्ट लेग ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, राइट लेग को आगे की तरफ खड़ा करते हुए, स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे थाई के ऊपर इसको रख लेना है। थाई के ऊपर इस प्रकार से रखना ताकि आपका जो बीच वाला गैप है पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करना, वो कवर अप हो जाए और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड पे लेके जाते हुए एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हुए हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में आपने जोड़ लेना है। इस प्रकार से हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जैसे ही इस आसन का अभ्यास करते हो तो थाई की पोजीशन आगे की ओर ना होते हुए पीछे की ओर आपने स्ट्रेच करना है और दोनों हाथों को आपस में नमस्कार मुद्रा में मिलाते हुए आपने इस आसन का अभ्यास करना है। 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग के साथ ये आसन का अभ्यास करेंगे हम और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। उनकी लर्निंग पावर को बहुत डेवलप करता है, ग्रोथ होती है बॉडी की, अच्छे अच्छे ऑर्गन्स जो है हमारे अच्छे डेवलप करते हैं और फिर इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये स्ट्रांग करने में हेल्प करता है, थाई की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। धीरे धीरे इसी प्रकार आपने वापस आते हुए दूसरे लेग से इस आसन का अभ्यास करना है
अगला जो आसन है उसका नाम है त्रिकोण आसन। इस आसन में बच्चों की साइड ग्रोथ जो होती है, साइड बेली फैट जो होती है वो कम होती है, फैट को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा जो हैंड्स की शोल्डर अपर जो एरिया है उसको अच्छा डेवलप करने में हेल्प करता है, उसकी शेप में अच्छी आपकी हेल्प करता है। तो आओ हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। सबसे पहले आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग दोनों पैरों को आपस में खोल लेना। पैरों को खोलते वक्त आपने इस चीज का ध्यान रखना है ताकि आपका पूरा प्रॉपर बैलेंस बन सके, आपने पैरों को आगे पीछे नहीं बिल्कुल स्ट्रेट खोलना। और जैसे ही त्रिकोण आसन का अभ्यास करोगे आपने सबसे पहले एक पैर को बाहर की तरफ मतलब कि आउटसाइड मूव करना है ताकि वो आपकी बॉडी जो शेप है प्रॉपर आ सके, ताकि वो आसन है जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग में कर सके हम। और दूसरा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये वाला पैर है जो हॉरिजॉन्टल में है उसके सेंटर में ही इस तरह से उसके सेंटर में ही ये आसन ये पैर जो है हमारा बिल्कुल बीच में आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दोनों पैरों को आपस में खोल लेना है और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखते हुए, शोल्डर के ऊपर हमने इसलिए रखना है दोनों हाथों को ताकि आप पूरी शेप के साथ वो आसन को स्ट्रेचिंग के साथ प्रॉपर कर सके। जैसे ही हम दोनों हाथों को खोलेंगे धीरे धीरे आपने आगे की तरफ नहीं झुकना इस आसन में, पूरा बॉडी स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे अपने राइट साइड नीचे की ओर जाते हुए इस आसन को आपने करना है। जैसे ही आप नीचे चले जाएंगे अपने हाथ को पैर के पास में रखते हुए दूसरे हाथ को बॉडी के साथ शेप में लेते हुए इस तरह से आसन को करना है आपने। त्रिकोण आसन जो कि साइड वैली फैट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और फेस जो कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है ये आसन, ताकि आपकी जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो क्योर हो सके। इस आसन में आपकी जो नेक पोजिशन है उसके साथ ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम को भी क्योर करता है। जैसे ही आपको ये आसन आप अभ्यास करते हो आपको बहुत ही ज्यादा और भी बेनिफिशियल नजर आएंगे। इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड इस आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए धीरे धीरे पैर की शेप को जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जिस साइड हमने जाना है उसी साइड आपके पैर की पोजिशन बाहर की तरफ होनी चाहिए और हाथ बिल्कुल सीधे धीरे धीरे आपने आसन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की ओर लेके जाते हुए दूसरे हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ देखना है। तो ये आसन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग के साथ इस आसन का आप अभ्यास करेंगे और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। उष्ट्रासन, कैमल पोज, ऊंट की शेप में हमने अपनी बॉडी को लेके जाना होता है तो वो आसन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, शोल्डर की शेप आती है अच्छी और बॉडी की जो है मसल्स के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। कैमल पोज ऊंट की शेप में अपनी बॉडी को लेके आना होता है। इसमें आपने दोनों पैरों को शोल्डर के बिल्कुल इक्वल खोलना होता है और दोनों हाथों को सामने की ओर धीरे धीरे आपने क्या करना, 1 by 1 एक एक हाथ करके पीछे की ओर लेके जाना है, एड़ियों को टच करने। इस प्रकार से अपने अपने टोस को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए बॉडी बैक की ओर लेके जाते हुए स्ट्रेच करना पूरा। धीरे धीरे आपने वापस आ जाना है और इसी पोजीशन में जैसे आपने बैकवर्ड बेंडिंग की तो आपने शशांक पोज वज्रासन में बैठते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हुए शशांक पोज जो कि काउंटर पोज माना जाता है, शशांक पोज का अभ्यास करना है, शशांक आसन का अभ्यास करना आपने। इस प्रकार से दोनों आसनास आपकी बैक के लिए, बैक को, स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगला जो आसन है उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग मतलब कोबरा की शेप में बॉडी को लेके आना, जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा हाइट बढ़ाने में भी ये आसन हमारी हेल्प करता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये आसन। आओ हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम मकर आसन में लेट जाएंगे, दोनों पैरों की जो टोज है उसको बाहर की तरफ ओपन करते हुए दोनों हाथों को हाथ के ऊपर रखते हुए फोरहेड को जो माथा है जो हमारा हाथों के ऊपर रखना है और इस तरह से लेट जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेके जाते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए एल्बो जो कोनी है आपकी इसके साथ आपकी लगी होंगी और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हुए आपने लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ देना। इस प्रकार से भुजंग आसन का हम अभ्यास करेंगे, फेस बिल्कुल सामने की ओर, दोनों पैर आपस में मिले हुए और इस प्रकार से स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये आसन। और धीरे धीरे हम इस आसन में वापिस आएंगे और फिर मकर आसन में लेट जाएंगे।
भी आपने पहले स्पाइन मतलब कि शवासन की पोजीशन में लेट जाना है और फिर पैरों को वन बाय वन एक एक करके फोल्ड करते हुए थाई के साथ बिल्कुल थाई के साथ मिला लेना और दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे लेना है। इस आसन का अभ्यास करने से पहले आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, आपने कभी भी एकदम से आसन स्टार्ट नहीं करना, किसी की हेल्प के साथ या फिर बॉडी सपोर्ट कोई दे सके आपको उसकी हेल्प के साथ आपने ये आसन का अभ्यास करना है या फिर वॉल की सपोर्ट के साथ या फिर धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए एकदम से जर्क नहीं देना स्पाइन को, धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए इस आसन का रोज अभ्यास करेंगे तो ये स्पाइन को फ्लेक्सीबल बनाने में हेल्प करेगा। तो दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखते हुए धीरे धीरे बॉडी को सेंटर से ऊपर की ओर उठाते हुए इस आसन को आपने करना है। धीरे धीरे वापस आते हुए शवासन में लेट जाना है। For more such videos and latest updates on our social causes, please join us and subscribe to our YouTube channel Youth Firangnai. You can also like our Facebook page and follow our Insta handle Youth Firangnai. For any